हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के दिन में लगभग लगभग कितनी 100+ कंपनीज के यहाँ पर रिजल्ट आए। ओके, तो सबके देखने तो पॉसिबल नहीं थे, बट स्टिल यहाँ पर जो अच्छी अच्छी कंपनीज मुझे नजर आ रही थी, जो मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पर इन पर्टिकुलर कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट पढ़ने चाहिए और आपको एटलीस्ट बताना चाहिए। ओके, उन कंपनी के रिजल्ट मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ओके, आप ऊपर देख सकते हैं कि कितनी सारी कंपनीज है, तो एक बार जाएंगे देखेंगे इन कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। ओके, किस तरीके के रिजल्ट है वो सब से हम डिस्कशन करेंगे। ओके, बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा क्योंकि हम डेली वीडियो लाते हैं, डेली सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है। बहुत सारे यहाँ पर जितने भी मोस्टली अच्छी कंपनीज के रिजल्ट है, कुछ के बेकार मैंने लिए है जस्ट बिकॉज आपको सिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आपको फंसाते हैं। एज वेल एज यहाँ पर ईक्लर्क्स के रिजल्ट हमने पढ़ी लिए है, बोनस वगैरह जो दिया है यहाँ पर, और भी वीडियो डाली गई है, यहाँ पर 4 वीडियोज आ चुकी है, देख लीजिएगा। ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, दूसरा चैनल है नितेश कुमारी से भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ। अंबर इंटरप्राइजेस इसके देख लेते हैं किस तरीके के रिजल्ट है। देखिए पूरे रिजल्ट अच्छे तरीके से पढ़ना तो अभी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अदरवाइज वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी और इतनी बड़ी वीडियो ना आप देखेंगे और ना ही मुझे मजा आएगा। बट हम बात करें सिंपल, हम बातों को समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अच्छी कंपनी के रिजल्ट आए हैं या नहीं आए हैं। सिंपल हम यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे चलेंगे, तो यहाँ पर बात करें कंपनी के जो प्रॉफिट है 1313 लैक्स इन रुपीज है, तो बात करें 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ईयरली बेसिस पे। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 1/3 यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। ईपीएस भी देखेंगे आप तो ईपीएस भी उसी तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। 9 रुपए का ईपीएस लगभग 3 रुपए पे हो गया और 2 का 3 बदल गया है। तो कंपनी के रिजल्ट की ओवरऑल बात करें तो कंपनी के ईयरली बेसिस पे रिजल्ट अच्छे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इसे थोड़ा सा आपको उसी तरीके से, उसी नजरिए से यहाँ पर देखना होगा ताकि आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ सके। तो हम चलते दूसरे, अंबर इंटरप्राइजेस है इस कंपनी का नाम, तो इसमें बने रह सकते हैं क्योंकि अगले आने वाले रिजल्ट काफी अच्छे आ सकते हैं, बट आपको शायद थोड़ा कंसोलिडेशन फेस करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर देखा जाए दूसरी कंपनी टीटीएमएल टाटा टेली सर्विसेज, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आपको बता बता के, बड़े बड़े चैनल्स ने बता बता के बेवकूफ बनाया। ओके, कि यहाँ पर खरीदिए, वहाँ खरीदिए, इस प्राइस पे खरीदिए, उस प्राइस पे खरीदिए, क्यों? क्योंकि ये शेयर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये शेयर लगातार भागते हुए जा रहा था, लगातार भाग रहा था, और ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं। बट हम आपको हमेशा बताते हैं ऐसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं। कम से कम कंपनी की देखिए क्या चाल है, क्या किस तरीके से काम कर रही है कंपनी। लॉस आफ्टर टैक्स यहाँ पर बात करें 295, ओके, यहाँ पर लैक्स इन रुपीज में है या क्या है, करोड़ में, 295 करोड़ रुपीज का लॉस हुआ है। ओके, और एक साल पहले 318 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 280। लॉस क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा, ईयरली बेसिस पे कम हुआ, बट स्टिल बहुत ज्यादा लॉस है। ईपीएस लॉस में है, सब चीज यहाँ पर लॉस में है, मार्जिन लॉस में है। तो टीटीएमएल में अभी भी मौका है, अगर कल मौका मिलता है निकलिएगा, अदरवाइज ये शेयर अभी जो 100 रुपए पे चल रहा है सीधे यहाँ पर लगभग 16 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए पे आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगा और आपकी वेल्थ ऐसी ही खराब होती हुई नजर आएगी। अब बात करेंगे त्रिवेणी इंटरप्राइजेस, बहुत पहले यहाँ पर ये शेयर मैंने बनाया था, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है, छोटा सा मैंने हिस्सा लिया है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो अच्छे रिजल्ट आए हैं कंपनी के। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट सीधे देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कंपनी ने 9 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, एक साल पहले 3 लाख का प्रॉफिट था, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे इधर कम होता हुआ नजर आया है। तो कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम करती है नजर आती है, तो कंपनी का ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस एटलीस्ट अच्छा है और शेयर यहाँ पर से आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है क्योंकि एक सपोर्ट पे यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर ट्राइडेंट के रिजल्ट एकदम बकवास आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1238, मतलब 12 करोड़, यहाँ पर बात करें 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 17 करोड़ का था, इससे पहले 20 करोड़ का था, ना क्वार्टरली बेसिस पे ना ईयरली बेसिस पे, किसी बेसिस पे ऊपर नहीं है, नीचे आया है कंसोलिडेट रिजल्ट और एज वेल एज सारे के सारे इसके रिजल्ट। तो यहाँ पर ट्राइडेंट जिस तरीके से भागा था उसी तरीके से अब गिरता हुआ नजर आ सकता है, तो बहुत पेनी स्टॉक करके इसे भगाया भी गया था, हमने भी रिकमेंड किया था 8 रुपए पर, उसके बाद हमने रिकमेंड नहीं किया क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी ऊपर था।
टाटा केमिकल के रिजल्ट एकदम धांसू आए हैं। अगर शेयर यहाँ पर नीचे मिलता है आपको तो खरीदिएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो क्वार्टरली एनुअली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा 637 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, कंपनी के रिजल्ट एकदम बिंदास अच्छे आए हैं। अगर मौका मिले खरीदिएगा। इसके अलावा टालब्रोस के नंबर यहाँ पर देखें तो ईयरली बेसिस पे अगेन यहाँ पर इसके नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दिए। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देख सकते हैं, ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छा है बट क्वार्टरली बेसिस पे नंबर थोड़े से कमजोर आते हुए दिखाई दिए। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। तो टालब्रोस में बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लगभग 100 रुपए का माइक्रो कैप और कंपनी है, ये छोटी सी कंपनी है। ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे 59 से 183 लाख रुपीज लगभग यहाँ पर 1,83,00,000 का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 1,98,00,000 था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कमजोर है बट ईयरली बेसिस पे अच्छे प्रॉफिट में है। तो इसकी तरफ नीचे शेयर बक्के की तरफ नजरें बनाइएगा, अगर कम प्राइस पे मिले तो इसे उठाने की कोशिश करिएगा। शेयर यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट आपको दे सकता है। सरासर टेक्नो ओके, यहाँ पर अभी शायद स्प्लिट हुआ था और अगर हम देखें इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो आपको पता चलेगी 731 लाख रुपीज, मतलब अगर बात करें 7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट के लगभग हुआ है। इससे पहले रिजल्ट थोड़े अच्छे थे और एक साल पहले और भी ठीक थे। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। ईपीएस बाकी बात करें वो भी ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक है। तो कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा, अच्छा शेयर है ये ओके सलासर टेक्नोलॉजी, जिस दिन भागेगा अच्छा खासा रिटर्न देगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर एक और कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड ओके, यहाँ पर एक मिनट दीजिएगा। सेक्सॉफ्ट लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, जितने भी आईटी कंपनी के रिजल्ट है हमें कंसोलिडेट देखने हैं। आप अगर यहाँ पर स्टैंडअलोन देखेंगे तो आप थोड़ा घबरा जाएंगे। तो सेक्सॉफ्ट की बात करें कंसोलिडेट रिजल्ट एकदम बंदास बेहतरीन नंबर आया है यहाँ पर। आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करेंगे और ईपीएस देखेंगे, कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आया क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, एज वेल एज नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1780 लाख रुपीज, मतलब 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 17 करोड़ का ही था बट कुछ लैक का यहाँ पर अंतर आ रहा है। कंपनी के रिजल्ट फ्लैट आते हुए नजर आए, अच्छे रिजल्ट है, कंपनी की तरफ नजरें बनाइएगा। प्रिंस पाइप के रिजल्ट अगेन यहाँ पर हम बात करें तो थोड़े से यहाँ पर दबाव में है, कंपनी के रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आए हैं बट कभी कभी ऑब्वियसली बात है अच्छी अच्छी कंपनी के साथ ऐसा हो जाता है, तो मैटर करने वाली कोई बात नहीं है कंपनी का। देखिए रिवेन्यू ईयरली बेसिस पर काफी अच्छा बढ़ा, क्वार्टरली बेसिस पे कम था बट नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर बड़ा काम आता हुआ दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा शेयर यहाँ पर गिरता है, अपॉर्चुनिटी बनेगी क्यों, क्योंकि लंबे साइन पे ये एक बेहतरीन शेयर है, एक बड़ा नाम है। शेयर दोबारा कुछ टाइम बाद दोबारा उठ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। कंपनी पॉलीकैम के रिजल्ट एकदम बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें देख सकते हैं 75 लाख रुपीज, मतलब 75 लाख का प्रॉफिट हुआ है, एक साल पहले 8 लाख का प्रॉफिट था, एक साल पहले 3,51 करोड़ था। क्वार्टरली बेसिस पे कमजोर आया बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं। तो इस शेयर की तरफ नजरें बनाइएगा, देखिएगा अगर थोड़ा नीचे भाव पर मिलता है तो यहाँ पर खरीदने की कोशिश करिएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर है उस तरीके से यहाँ पर आप इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एज वेल एज बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स के, अगर हम बात करें तो पीसी ज्वेलर्स के रिजल्ट एकदम बिंदास बेहतरीन नंबर आया है, देख सकते हैं 59 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और इससे पहले कंपनी घाटे में थी, घाटे से यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। पीसी ज्वेलर्स की तरफ ध्यान दीजिएगा, अच्छे खासा भाग सकता है, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पर बात करें पोशाक एक बड़े इन्वेस्टर है ओके, उनके यहाँ पर पोर्टफोलियो में है ये पोशाक, 10,000 रुपए का एक शेयर है। कंपनी के अगेन यहाँ पर बात करें क्वार्टरली बेसिस पर नंबर अच्छे आया बट क्वार्टरली बेसिस पर नंबर अच्छे नहीं आया, तो इसकी तरफ भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। बट लॉन्ग टर्म के व्यू से अच्छा खासा शेयर नजर आता है, स्मॉल कैप कंपनी है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन रिजल्ट इसके भी अच्छे आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 702, यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस पे घाटे से प्रॉफिट में आई है, क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। पैरामाउंट कम्युनिकेशन केबल के नाम से जाना जाता है ओके, काफी बेहतरीन इसके नंबर है, शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है। एमटार टेक्नोलॉजी, एमटार हमारे पास है, कुछ दिन पहले ही बताया था, क्वार्टरली बेसिस पे इसके भी नंबर अच्छा है बट ईयरली बेसिस पे काफी अच्छे आए हैं, मार्जिन लगभग डबल होता हुआ नजर आया बट क्वार्टरली बेसिस पे बात करें थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 162 करोड़ 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देख लेते हैं, हाँ
16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इससे पहले 19 करोड़ का था, इससे पहले 8 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आया। एमटार की तरफ नजरें बनानी है, काफी बेहतरीन यहाँ पर यह शेयर नजर आता है। एमआरएफ के रिजल्ट अगेन यहाँ पर बेहतरीन आते हुए नजर आए। आपको पता ही है एमआरएफ एक बेहतरीन ब्रांड भी है। तो यहाँ पर यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट थोड़े से कमजोर आते हुए दिखाई दिए स्टैंड अलोन नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर कमजोर यहाँ पर नतीजे आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस कंसोलिडेट नंबर देखते हैं तो वो भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर अब देखेंगे ईपीएस, हाँ तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर एमआरएफ के नंबर थोड़े कमजोर आते हुए दिखाई दिए। तो इसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसेस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से ये सब कुछ होता हुआ नजर आया है। मनाली पेट्रोकेमिकल्स काफी बेहतरीन बकवास नंबर इसके आते हुए दिखाई दिए क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे। यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है, तो इसकी तरफ से आपको दूर रहना है, कंपनी के नंबर हाफ होते हुए नजर आए। अब बात करते हैं लक्स इंडस्ट्री, लक्स इंडस्ट्री के भी नंबर यहाँ पर अच्छे नहीं आए हैं। तो लक्स इंडस्ट्री से भी थोड़ा सा यहाँ पर दूरी बना के रखिएगा, बट नीचे के लेवल से अगर हो तो खरीदने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी यहाँ पर नजर आई है। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए नजर आएगी। थोड़ा बहुत परेशानी है कंपनी इसके साथ, बट वो रेक्टिफाई कर लेगी। एक बड़ा ब्रांड भी है लक्स इंडस्ट्री। तो लिबर्टी शूज एकदम बेहतरीन झक्कास नंबर आते हुए नजर आए। कंपनी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर दोनों बेहतरीन नंबर है। कल की इस शेयर को थोड़ा सा पर रखेंगे तो शायद आपको यहाँ पर डबल के रिटर्न मिल सकते हैं। लिबर्टी की तरफ ध्यान दीजिएगा। जयप्रकाश पावर, जेपी पावर बेहतरीन नंबर, बेहतरीन शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे है, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे खासे है। तो कंपनी के नंबर अच्छे आए तो इसकी तरफ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,193, इससे पहले कंपनी घाटे में थी, तो यहाँ पर अच्छे खासे नंबर आते हुए दिखाई दिए। इनलैक्स में जिंदल पॉली के रिजल्ट है, यहाँ पर भी इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे बड़ा है, क्वार्टरली बेसिस पे कम है। हम समझ सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंसिस एंड ऑल की वजह से ये सारा इफेक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ। ओके, कंपनी के अगर नीचे मिलती है अच्छे तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दे सकती है। और भी बहुत सारे फैक्टर है वो आपको देखने होंगे। इंडिया ग्लाइकोल की बात करें, बेकार नंबर आया है, इससे बिल्कुल दूर रहिएगा। यहाँ पर देखिए कंपनी के नंबर ईयरली बेसिस पे बिल्कुल ही गिरते हुए नजर आए, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सही है। इंडिया ग्लाइकोल दूर रहने की सलाह। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ गैस एकदम बेहतरीन नंबर, एमजीएल के नंबर अच्छे आए थे, हमें पता ही चल गई थी। ईयरली बेसिस पे कंपनी के नंबर डबल आते हुए दिखाई दिए। आईजीएल की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे और दूसरी कंपनी के, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान फूड्स के नंबर फ्लैट आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर कंपनी यहाँ पर फंड रेज भी कर रही है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर यहाँ पर अच्छे आया, बट मार्जिन पे इफेक्ट है, इस चीज को याद रखिएगा। कंपनी को लॉन्ग टर्म के पर्पज से रखिए, काफी अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा गुलशन पॉली की हम बात करेंगे तो गुलशन पॉली का रिजल्ट आपके सामने है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के नंबर काफी बेहतरीन आया ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सारो टाइल्स, टाइल्स के नंबर ईयरली बेसिस पे अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से यहाँ पर डल आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपनी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, घाटे से प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा बात करते हैं हम एवरेस्ट कॉन्टोर सिलेंडर की। काफी यहाँ पर ऑक्सीजन का जब बात हुई थी तब ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा था। कंपनी की बात करें ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पर नंबर बेकार आया, दूर रहिएगा। ईक्रक्स के नंबर हमने पढ़ी लिए, कंपनी के नंबर काफी बेहतरीन है, अच्छे नंबर है। इसके अलावा हम बात करते हैं ईआईडी पैरी, ईयरली बेसिस पे कंपनी का नंबर ठीक है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी का नंबर बेकार आते हुए दिखाई दिए। बट यहाँ पर अगर हम बात करें एथेनॉल की स्टोरी जुड़ी हुई है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ड्यूरोप्लाई काफी बेहतरीन नंबर, इसे अपने पोर्टफोलियो में एड वॉच लिस्ट में एड करिएगा, ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी ऑल हाई पे चल रहा है ये शेयर, ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे नंबर अच्छे खासे है। इसके अलावा हम बात करेंगे कॉस्मो फर्स्ट की, ईयरली बेसिस पे अगेन इस कंपनी के नंबर अच्छे आया, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा इफेक्ट आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। बॉफिल केमिकल, इसके नंबर भी काफी अच्छे आए हैं, तो इस कंपनी की तरफ भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखेंगे ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर अच्छे है। तो बहुत सारी कंपनी के क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे आए हैं, इन कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, काफी बेहतरीन नंबर है और अच्छे खासे रिटर्न आपको क्वार्टरली स्विंग में भी मिलते हुए नजर आएंगे और लॉन्ग टर्म में भी बनते हुए नजर आएंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस मिलते रहे।
चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा दूसरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।